हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे के बारे में बताया था और यह प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है, ये भी मैंने बताया था। और साथ ही साथ इस वर्ष का थीम क्या थी इसको भी मैंने आपको बताया था। उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि महासागरों से रिलेटेड कुछ आश्चर्यजनक चीज़ों को और रोचक जानकारी को बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यही आश्चर्यजनक चीज़ें और रोचक चीज़ क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो पहला है, अटलांटिक महासागर में हाइड्रोजन के बुलबुले का एक पट्टी। तो दोस्तों, अटलांटिक महासागर में हाइड्रोजन के बुलबुले का एक पट्टी, तो यह है इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। तो यह जो हाइड्रोजन के बुलबुले का नमूना है, जो पट्टी पाया गया है, यह अटलांटिक महासागर में पाया गया है। यह एक ज्वालामुखीय छिद्र है जिससे धरती के गर्भ से हाइड्रोजन गैस रिस रही है और यह क्षेत्र लाखों वर्षों में से सक्रिय है। इस पट्टी को हाइड्रोथर्मल फील्ड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अटलांटिक महासागर में हाइड्रोजन के बुलबुले का एक पट्टी पाया गया है और यह धरती के अंदर से हाइड्रोजन के का जो रिसाव हो रहा है उससे एक पट्टी का निर्माण हो गया है। तो इसी कारण से यह जो हाइड्रोजन का बुलबुला है यह एक पट्टी की तरह दिखाई दे रहा है और यह लाखों वर्षों से यह छिद्र से यह रिस रहा है हाइड्रोजन गैस। तो इसी कारण से इस पट्टी को हाइड्रोथर्मल फील्ड भी कहा जाता है और यह आपको मिलेगा देखने के लिए अटलांटिक महासागर में। अगला है, व्हाइट शार्क का रहस्यमय ठिकाना। यह है नेक्स्ट कि शार्क मछली आप लोगों को पता है, तो इसमें व्हाइट शार्क यानी कि सफ़ेद शार्क का जो ठिकाना है समुद्र में वह कहाँ पर है इसको जानते हैं। तो कुछ सालों पहले वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में व्हाइट शार्क का एक रहस्यमय ठिकाना को खोजा है और इसे व्हाइट शार्क कैफे नाम दिया गया है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में एक रहस्यमय ठिकाना की खोज किया है और वहाँ पर व्हाइट शार्क यानी कि सफ़ेद शार्क पाए जाते हैं और इस जो ठिकाना है उसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया है व्हाइट शार्क कैफे। और एक विशेष सीजन में बड़े पैमाने पर व्हाइट शार्क उत्तरी अमेरिका और हवाई द्वीप के बीच इकट्ठा होती हैं। तो यह जो ठिकाना है वह एक किसी विशेष या खास सीजन में बड़े पैमाने पर सफ़ेद शार्क उत्तरी अमेरिका और हवाई द्वीप के बीच में इकट्ठा होती है। आप लोग मैप में भी अगर देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका और हवाई द्वीप इन दोनों के बीच में ही व्हाइट शार्क का जो रहस्यमय ठिकाना है इनका खोज किया गया है और यह आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में। अगला है, हिंद महासागर में डूबे हुए द्वीप। दोस्तों, हिंद महासागर में भी डूबे हुए द्वीप इसकी खोज हुआ है हाल के वर्षों में। तो देखिए, हिंद महासागर के भीतर 700 मीटर से 4000 मीटर तक की गहराई तक जाने वाली चट्टानें हैं। यहाँ कई तरह की मूंगा मिलते हैं और असल में यह एक गोंडवाना द्वीप है जो लाखों साल पहले समुद्र में डूब गया था। तो दोस्तों, अभी हिंद महासागर के भीतर में 700 मीटर से लेकर के 4000 मीटर तक में चट्टान नीचे पाया गया है और यहाँ पर मूंगा की चट्टाने या मूंगा भी मिलते हैं। और यह जो है चट्टाने, यह गोंडवाना द्वीप का ही लाखों सालों पहले डूबा हुआ भाग था। तो यह हिंद महासागर में मिला है। इसके अलावा आगे है सारगासो सागर। तो यह भी है जानकारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आश्चर्यजनक चीज़ें, सारगासो सागर। तो यह समुद्र स्थित ऐसा सागर है जिसका आसपास में जमीन नहीं है। इसके तट पर एक मोटी समुद्री घास तैरती पाई जाती है। पुर्तगाली भाषा में इस समुद्री घास को सारगासम कहते हैं, इसी कारण इसे सारगासो सागर कहा जाता है। तो दोस्तों, सारगासो सागर जो है वह समुद्र में स्थित एक ऐसा सागर है जिसके आसपास में कोई जमीन नहीं है और इसके तट पर जो है मोटी मोटी समुद्री घास तैरती हुई पाई जाती है, यानी मोटी घास यहाँ पे तैरते रहता है। और इन्हीं मोटी घासों को पुर्तगाली भाषा में सारगासम कहते हैं और इसी सारगासम घास के चलते ही इसका नाम सारगासो सागर पड़ा है। और यह जो सारगासम घास है वह बिना जड़ की घास होती है। तो आपको यह भी जानना है कि यह जो है सारगासम घास वह बिना जड़ की घास होती है। और सारगासो सागर मछलियों का सबसे प्रिय स्थान है क्योंकि यहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का मिलन होने से मछलियों के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा होता है। तो ये जो सारगासो सागर वह मछलियों का सबसे प्रिय स्थान है, यहाँ पर मछलियाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पर ठंडी गर्म जलधारा दोनों का मिलन होता है। तो यहाँ से जो वातावरण होता है पैदा होता है वह
उपयुक्त वातावरण होता है मछलियों के लिए, तो इसी कारण से यहाँ पर मछलियों का भंडार पाया जाता है। कहा जाता है कि इस सागर का खोज 1498 यानी कि 1498 में कोलंबस ने अपनी पहली समुद्री यात्रा के दौरान की थी। और इसके बारे में कहा जाता है इस सागर के बारे में कि इसका खोज 1498 ईस्वी में कोलंबस ने अपनी पहली समुद्री यात्रा जब कर रही थी उस समय इसका खोज किया गया था। आप लोग अगर मैप में देखोगे तो अटलांटिक महासागर में यूरोप और अमेरिका के बीच पुर्तगाल के पास में यह सार्गासो सागर स्थित है। तो अटलांटिक महासागर में यह सार्गासो सागर है और यूरोप और अमेरिका के बीच में पुर्तगाल के पास में यह सार्गासो सागर स्थित है। अदर अगर हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों को, रोचक चीज़ों को जानते हैं तो उसमें क्या क्या है इसको देखते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी अपने महासागरों के कारण नीली दिखाई देती है। तो अंतरिक्ष से देखने पर महासागर में जो पानी है वो सब सारे नीले दिखाई देती हैं, तो इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। महासागरों की औसत गहराई लगभग 12,200 फुट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महासागर की औसत गहराई, अगर एवरेज डेप्थ की बात करते हैं तो यह लगभग 12,200 फुट तक है। पृथ्वी का 97% पानी सिर्फ महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी में जितने भी पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है, उसमें से 97% पानी सिर्फ और सिर्फ महासागरों, समुद्रों और सागरों में पाया जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी सिर्फ और सिर्फ महासागरों में ही पाया जाता है। दुनिया भर की करीब 80% आबादी समुद्र के किनारे 60 मील के दायरे पर रहती है। दोस्तों दुनिया में जो अधिकतर शहरों में जो लोग होते हैं, अधिकतर जो शहर हैं वे सब सभी समुद्र तट के किनारे 60 मील के अंदर पर रहती हैं, और 80% जो आबादी है मनुष्यों की वह समुद्र के किनारे 60 मील के दायरों पर रहती है। यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग समुद्र के किनारे पे रहते हैं। अगर बात करते हैं प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो रियो डी जेनेरियो, शंघाई, न्यूयॉर्क, ये सब जो हैं वह समुद्र के किनारे स्थित शहर हैं। तो 80% आबादी समुद्र के किनारे 60 मील के दायरे पर रहती हैं। इसके अलावा में हवाई द्वीप पर मौजूद मौना कावा या मौना किया पर्वत 33,474 फुट ऊंचा है। इस हिसाब से यह दुनिया का सबसे विशाल पर्वत है, लेकिन इसका आधा हिस्सा पानी के अंदर होने के कारण एवरेस्ट को ही सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगा कि यह जो है मौना कावा या मौना किया जो हवाई द्वीप पर स्थित है, इसकी जो ऊंचाई हुआ है 33,474 फुट, लेकिन इसका जो आधा हिस्सा है वह समुद्र के अंदर, मतलब पानी के अंदर में डूबा हुआ है। इस कारण से इसको एवरेस्ट से नीचे इसका स्थान है, यानी कि एवरेस्ट ही विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना गया है। और यह जो मौना किया है या मौना कावा वह हवाई द्वीप पर मौजूद है, और यह हवाई द्वीप जो है वह उत्तरी अमेरिका के पास में स्थित है। तो आप लोग अगर मैप में देखोगे तो मैप में आपको मिल जाएगी। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट जानकारी भी है और साथ साथ में आश्चर्यजनक चीज़ें हैं और रोचक जानकारी भी थी।